आजकल के टाइम में सिर्फ कोरमा या बिरयानी या बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना उससे काम चलेगा नहीं, कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग गुड विद सैम। अब मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि कुछ कुछ बीच बीच में कोई हेल्दी रेसिपी, स्नैक रेसिपी या ब्रेकफास्ट रेसिपी या डिनर रेसिपी मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो आज की जो रेसिपी है वो है काला चना, बहुत ही एक हेल्दी फॉर्म में, जो आप नॉर्मली अपने स्नैक में या ब्रेकफास्ट में कोई मील को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाई इन प्रोटीन होता है चना, काफ़ी मात्रा में फाइबर इसमें अवेलेबल है और डिज़ायर्ड सारे न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए ये बढ़िया डिश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले रहा हूँ। अब इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट, गार्लिक को थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरा आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से भूनना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गार्लिक हमारा जले नहीं। अब जाएगी इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली, इसको सौते करें। ये हमने 200 ग्राम ब्लैक चिकपीज लिए, काला चना, इसको बॉईल कर लिया है। अब ये सारे चने हम पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है। अब हम थोड़ा सा ये स्टॉक डालेंगे, जो चना हमने बॉईल किया था उसका जो स्टॉक है, ये बहुत हेल्दी स्टॉक होता है तो इसको फेंकिएगा मत आप, इसको वैसे भी आप पी सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, मैं कभी कभी तो वैसे ही बॉइल्ड चना खा लेता हूँ उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके, बट इस तरीके से थोड़ा अच्छा फ्लेवर एक आ जाता है। अब इसको लो हीट पे 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, हमारे चना बिल्कुल तैयार है। बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये, आप स्नैक टाइम में या ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको खा सकते हैं। इसमें और एडेड फ्लेवर डालने के लिए आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, चॉप्ड अनियंस भी डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।